News 18, India. और बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान चुनाव से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई से जुड़े नेताओं को शुरुआती बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जानकारी मिल पा रही है कि वहां की सबसे बड़ी पार्टी भी बनती नजर आ रही है पीटीआई। पीटीआई 125 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी पाकिस्तान के चुनाव नतीजों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, कुछ ही घंटों के बाद औपचारिक ऐलान होगा और तब पिक्चर साफ हो जाएगी। हजारों की संख्या में किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इसकी वजह से दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़कों पर भयानक जाम लग गया, क्योंकि दिल्ली की तरफ बढ़ते किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगा दिए। कई सड़कों को बंद करना पड़ा, लेकिन लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया। इसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाड़ियां सड़कों पर चलने के बजाय रेंगती नजर आई। ये रास्ता जो कि ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आता है, महामाया फ्लाईओवर के पास, इसको यहां पर रोका गया है क्योंकि आगे किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि किसानों को चिल्ला बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल के पास रोक लिया। धरने पर बैठे किसानों को प्रशासन के अधिकारी मनाने में जुटे रहे, लेकिन किसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। किसानों का आरोप है कि कई दिनों तक प्रदर्शन के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई। इसी वजह से दबाव बनाने के लिए एक दिन पहले 7 फरवरी को किसान महापंचायत बुलाई गई और उसी महापंचायत में अगले दिन दिल्ली में संसद भवन तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया गया। लेकिन किसानों के इस मार्च की वजह से नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। उधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को एक साथ टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, और उन तस्वीरों में दिखा कि तेज रफ्तार में आई उस बस ने एक माल ढोने वाली गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इस दिल दहला देने वाले हादसे से कुछ देर पहले के वीडियो में दो लोग बड़े ही आराम से उस माल ढोने वाली गाड़ी से सामान उतारते दिखे। एक आदमी गाड़ी के अंदर से लोहे का सामान उठाकर नीचे खड़े शख्स को थमाता दिखाई दिया। इस दौरान पास में ही एक स्कूटर सवार भी नजर आया। उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ सेकंड में वहां क्या होने वाला। माल ढोने वाली गाड़ी से सामान उतार रहा वो आदमी एक बोरी को उठाने ही वाला था कि इतने में उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। उसने गाड़ी की बाईं ओर झांक कर देखा तो सामने उसे मौत की शक्ल में वो बेकाबू बस नजर आई। बस इतना पास आ गई कि सामान उतार रहे दोनों आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भागे। इस भीषण टक्कर में माल ढोने वाली वो गाड़ी किसी तिनके की तरह जमीन पर पलट गई। लेकिन उस बेकाबू बस का कहर इतने पर ही नहीं थमा। माल ढोने वाली गाड़ी को टक्कर मारने के बाद उसने कई और गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया, और स्कूटर के तो परखचे ही उड़ गए जो हादसे से पहले की तस्वीरों में दिखा। बस की भीषण टक्कर के बाद वो स्कूटर दो हिस्सों में बढ़ गया। इस भयंकर हादसे की वजह से वहां हड़कंप मच गया, लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई क्योंकि बेकाबू बस ने उस माल ढोने वाली गाड़ी समेत 7 गाड़ियों को टक्कर मारी। इस दर्दनाक हादसे में एक आदमी की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद की तस्वीरों में वहां कई मोटरसाइकिलें और स्कूटर जमीन पर बिखरे हुए नजर आए। जोरदार टक्कर में उस बेकाबू बस को भी काफी नुकसान पहुंचा, उसके आगे के शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि इस हादसे में वो दोनों लोग बाल बाल बच गए जो उस माल ढोने वाली गाड़ी से सामान उतार रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर सख्त फैसला ले लिया। भारत और म्यांमार की सीमा पर फ्री मूवमेंट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। केंद्र ने रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ और सीमा पर अवैध कारोबार को रोकने के मकसद से ये बड़ा कदम उठाया। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि दोनों देशों के बीच 1643 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मकान से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद करने का दावा किया। इस सिलसिले में एक आदमी को हिरासत में भी लिया गया। राज्यसभा में 56 सांसदों की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की। मनमोहन सिंह भी उन सांसदों में शामिल हैं जिनका राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हीलचेयर में आए, वोट किया, एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है।
इधर दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की बाउंड्री वॉल गिरने से उसके मलबे में दबकर एक आदमी की मौत हो गई। वहां मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म की बाउंड्री वॉल गिरने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि उसका मलबा पूरी सड़क पर फैल गया। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की वो बाउंड्री वॉल अचानक भरभराकर गिरती नजर आई। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग भी नजर आए जो हादसा होते ही इतनी बुरी तरह डर गए कि उन्होंने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगा दी। इससे उनकी जान तो बच गई लेकिन बाउंड्री वॉल का मलबा जाकर नीचे सड़क पर गिरा और इस दौरान उस सड़क से गुजर रहे कई लोग इसकी चपेट में आ गए। चार लोगों को माइनर इंजरीज है जिनमें एक का पैर टूटा है और एक की इंजरी थोड़ी ज्यादा है। पुलिस के मुताबिक इन चार घायलों में एक आदमी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जब गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की वो 50 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल गिरी तो वो आदमी अपने स्कूटर से उस मेट्रो स्टेशन के पास वाली सड़क से गुजर रहा था और तभी बाउंड्री वॉल अचानक गिर पड़ी जिससे उस पूरे इलाके में दहशत मच गई, क्योंकि उस बाउंड्री वॉल के मलबे ने पूरी सड़क को घेर ली। इसके बाद तो सड़क पर सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े और ईंटें दिखाई दी। हालांकि जैसे ही वहां मलबा गिरा पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर उस पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी। इसके अलावा खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से उस मलबे को वहां से हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही आसपास के लोगों को इस हादसे की खबर लगी वहां भीड़ जुटनी शुरू हो गई। ऐसे में आशंका ये थी कि कहीं कोई और भी इसकी चपेट में ना आ जाए, इसलिए पुलिस और दमकल की टीम ने गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाके को बंद कर दिया और हादसे में घायल हुए लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इस बीच कर्नाटक सरकार के बाद केरल सरकार ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। केरल सरकार ने केंद्र पर उसे फंड देने में कमी करने का आरोप लगाया। केरल सरकार के इस प्रदर्शन में दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और मंच पर पहुंचकर तीनों मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी ताकत दिखाई। केरल के सीएम पी विजयन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इन तीनों ने मंच साझा करते हुए केंद्र सरकार पर उनके राज्य से आर्थिक भेदभाव करने का आरोप लगाया। मंच पर उनके साथ लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी नजर आए। केरल सरकार से एक दिन पहले कर्नाटक सरकार ने भी दिल्ली की इसी जगह पर यानी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसमें किसी और पार्टी का नेता या फिर किसी और राज्य। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। हल्द्वानी में अवैध मस्जिद और मदरसा तोड़ने पर हुआ बवाल, उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश, प्रशासन ने इलाके में लगाया कर्फ्यू, गोली लगने से एक की मौत। प्रधानमंत्री की जाति को लेकर राहुल के बयान पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हंसराज अहीर का पलटवार, बोले ओबीसी समुदाय से माफी मांगे राहुल गांधी। जितनी बड़ी बयानबाजी की उन्होंने इतनी बड़ी ओबीसी कम्युनिटी की जाति के बारे में, उस जाति से माफी मांगे राहुल जी। मुंबई के दहिसर इलाके में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या, हमलावर ने खुद को भी गोली से उड़ाया। चौदह में संकट में थी देश की इकोनॉमी, अब 2047 तक बनाना है विकसित देश। यूपीए सरकार के कार्यकाल पर लोकसभा में मोदी सरकार ने पेश किया श्वेत पत्र, बीजेपी के जवाब में कांग्रेस लाई है ब्लैक पेपर, आज श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के चुनाव में हो सकता है बहुत बड़ा उलटफेर, कुछ घंटों के बाद होगा औपचारिक ऐलान। वोटों की शुरुआती गिनती में पीटीआई नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी को पछाड़ते हुए बहुत आगे निकले। लैंडफोर्ड जॉब केस में राबड़ी देवी और मीसा भारती की होगी पेशी, सुबह 10 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, हेमा यादव, हृदयनंद चौधरी और अमित कात्याल को भी होना है पेश। लोकसभा में श्वेत पत्र पर आज होगी चर्चा, 8 घंटे तक होगी चर्चा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे चर्चा की करेंगे शुरुआत। चंडीगढ़ में किसान नेताओं, सीएम भगवंत मान और तीन केंद्रीय मंत्रियों की हुई बैठक, किसानों की मांगों पर हुई चर्चा, किसानों का 13 फरवरी के आंदोलन को कायम रखने का ऐलान। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल।